हाजिम बोल। सुना है तालाब में बड़ी मछली घूम रही है और ऊपर से घायल भी। इट्स आवर गोल्डन चांस। ओके लेट्स गो फिशिंग। और हाँ कुछ भिजवाया त्रिली मैंने, जो तुझे चाहिए उसी में है। और भाभी जी के लिए भी है कुछ। चल गुड लक। और सुन उस कार्बन की मात चोद दियो। मादर चोद। ये तो आप मेरे सामने भी खोल सकते थे, भागने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा इसमें बॉम्ब है। कुछ भी मतलब सुबह सुबह मजाक। ऐसा ही गिफ्ट मेरे घर भी पहुंचा था, उसके बाद मेरे मॉम डैड नहीं रहे। ये आप क्या बोल रहे हो जय? आई एम नॉट अ बिजनेसमैन। आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? Cause I don't trust anyone so easily. और अब ऐसा क्या इम्पोर्टेंट आ गया जो मुझे बताना पड़ रहा है? I don't know Divya. It's just I have to leave today. It's my mission. And I have to go. इतना इम्पोर्टेंट है क्या जाना? आई हैव टू लिव। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय आई विल वेट फॉर यू। जल्दी आना। कार्बन फौज वाला डॉक्टर ही मिला तुझे भाईजान? इमरजेंसी में सिर्फ वही मिला है, और वैसे भी इलाज ये लोग अच्छा ही कर देते हैं। कुछ वक्त पहले मेरे आपा के बेटे की डिलीवरी भी फौजी डॉक्टर ने ही की थी। तेरे आपा ने भी दिल्ली में बम फोड़े हैं? हथियार छुपा दिए ना? नहीं अभी नहीं।
एग्जीबिशन लगाएगा उसके आगे जरा सा भी शक हो गया ना उसे तो पूरी आर्मी को पता चल जाएगा, फिर आवाम भी साथ नहीं देगी। छुपा हो जाकर जी। कार्बन आइए डॉक्टर साहब। मरीज कौन है? ये क्या तकलीफ है आपको? सांस लीजिए। डॉक्टर साहब आप कुछ लेंगे? क्या कह रहे हैं आप कुछ लेंगे? नहीं धन्यवाद, मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, वो ले आएगा उनकी ज़रूरत पड़ेगी। जी। और आप काबा ले आइए, थोड़ा आराम मिलेगा इनको। जी। किस बात का इंजेक्शन है? पेन किधर है? कहो तो तुम्हारे भी लगा लूं। क्या कर दिया तूने? वही जो तुम मादर चौदह के साथ होना चाहिए। डॉक्टर साहब बेटा जी ने कुछ बताया कहाँ गए? बस आते ही होंगे। दिव्या
अरे नंदन जी, आप बैठिए बैठिए। आपको इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? बस पता चला बिटिया रानी की तबीयत खराब है तो रहा नहीं गया। अच्छा चलिए, आप एक काम कीजिए, गाड़ी की चाबी दीजिए, मैं कुछ सब्जियां लेके आया हूँ, मुझे वो गाड़ी में रखवानी है। तो हम रखते हैं ना क्या? अरे मैं निकाल लूंगा नंदन जी, आप बैठ के सूप पीजिए। लेकिन बाइक कैसे लेके जाएंगे? वो कहती सुन जरा मेरी बातें, क्यों पास रखी है यादें, तू आग में जला कर सब कुछ मिटा, दूर हो गया है तू। आप लोग चलिए, मैं कुछ सामान निकाल के लाता हूँ। अरे नहीं बेटा जी, नहीं जी, रहने दीजिए, वैसे इतनी लंबी ड्राइव करके आए हैं। हाँ। और कहीं हड्डी उड्डी खिसक गए तो मुश्किल हो जाएगी। जाइए आप, चलो मेरे साथ, चलो चलो न्यूक्लियस। गुड मॉर्निंग। सिगरेट पिएगा? नाम? न्यूक्लियस। असली नाम? न्यूक्लियस से दिक्कत है माँ। बाप का नाम? साइंटिस्ट की औलाद हो। टेररिस्ट की औलाद है। तुम लोग जब मिसाइल बनाते हो दिवाली के लिए रखते हो? उम्र? राशन कार्ड बनाएगा क्या? अड्डे कहाँ हैं? चांदनी चौक, पुरानी दिल्ली, लखनऊ। राशन कार्ड बनना शुरू हुआ था। देख, मैं एक बात सिर्फ एक बार पूछता हूँ, पहले बताना भूल गया था। फिर से शुरू। तुम लोगों के ठिकाने का है? पुराने नहीं, नहीं। हमीरपुर, बिलासपुर, सुल्तानपुर, सिंगापुर, ये
इनमें से कोई एक है, जा ढूंढ ले। कौन हैंडल कर रहा है? बाप को पकड़ के पूछ रहा है घर कौन चलाता है। हमारे डिपार्टमेंट में से कौन है जो तुझे इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है? वो कह रहे थे तू बहुत दिमाग वाला है। शोध अपने डिपार्टमेंट के लोगों का पता नहीं, मुझसे सवाल पूछ रहा है। हम मातर चोर बता कौन दे रहा है इंफॉर्मेशन? कौन मिला हुआ मातर चोर? गिफ्ट देख के बहुत खुश रहते ना तेरे माँ बाप, साले चितरे कर दिए थे उनके हमने। मादर चोद अगला नंबर तेरी लौंडी रश्मि का था, मतलब तूने छोड़ दिया मैं तो इसको, तब वो भटक गया। मैं तेरी बीवी को भी जय हिंद सर। हाँ जय हिंद। Eliminate the target. Are you sure, sir? I mean, sir, I've been following him for... Don't ask questions. आज उसकी वजह से 3 कश्मीरीज की जान जा चुकी है. And he helped the most wanted terrorist to escape to Pakistan. Do you know that? It's a high time now. Engage at will. And nothing concrete has been found. Don't forget he's a traitor. And you have done your best. 3 साल में जो जानना था हम जान चुके हैं. Now I want you to finish this job immediately. Understand? Right, sir. Good. Sir, he left about 2 minutes ago on his bike. Yes, sir, he's gone alone. I'll inform you of the meter readings the moment he returns. अरे जी, वो जो डल लेक है ना, बहुत ही सुंदर है। डल लेक? लेकिन बेटा जी, आप तो हिमाचल गए थे ना? हाँ, मुझे भी नहीं पता था एंड टाइम पे ये कश्मीर ले आए। अच्छा किया। सर, ही इज नॉट हियर सिंस मॉर्निंग। राइट सर। चलिए नंदन जी। जी बेटा जी, ये पानी की टेस्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है। नहीं बेटा जी, आज अच्छा। सुबह ही तो भरा है।
आज बेटा जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। नंदन जी दुआ कीजिए कि डिनर हो जाए। बेटा जी मैं तो हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको सफलता दे। इट सीम्स दैट यू रियली वर्क्ड हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। नंदन जी जी आप और इंग्लिश? बस बेटा जी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा था। क्या बात है नंदन जी? बेटा जी लगता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई। Kashyap, you bastard! आपका पेशेंट था, बहुत अच्छा रिकवर कर रहा था, उसकी डेथ हो गई ड्रग की ओवरडोज होने कारण। हूँ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो बाद ही पता चलेगा भी क्या प्रॉब्लम आई। हाँ नंदन जी। बेटा जी जय बेटा नहीं रहे। Thank you.
पिछले महीने राजीव चौक में हुए धमाकों की जांच में कुछ अहम दस्तावेज एजेंसीज के हाथ लगी हैं, जिसके वजह से देश भर में लगातार छापेमारी चल रही है और कहा जा रहा है कि अब तक 30 से ज़्यादा लोगों के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आज की तारीख में ऐसी खबरों को सुनकर ऐसा लगता है कि जितना खतरा हमें बाहरी ताकतों से नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा घर में छिपे इन भेड़ियों से है। और अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आईआईबी के एक वरिष्ठ अधिकारी विशाल कश्यप को हिरासत में लिया गया है। माना जा रहा है कि इन हमलों में इनका भी टेरर कनेक्शन है। इस वक्त की बड़ी खबर, आईआईबी के वरिष्ठ अधिकारी विशाल कश्यप हिरासत में। जैसा आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, नंदन जी, इस चेयर को आप उन चेयर्स के साथ रख दीजिए। पहुंच गई जय, जिनके पास तो हमेशा जाना चाहते थे। पर तो थोड़ा मुझ में भी हो गए। नाराज नहीं हूं तुमसे, बस एक और बात तुमसे कहना था कि अब प्रेग्नेंट